हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर। वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। इसे घर पे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 500 ml वाटर, उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए इस तरह से एकदम रेड कलर के जो टोमेटोज आते हैं वो लेने हैं, और उसके टॉप पे इस तरह से क्रॉस का मार्क लगा देना है नाइफ़ से, ताकि इसकी स्किन अच्छे से रिमूव हो जाए। अब इसे कवर करके हमें 3 to 4 मिनट्स के लिए बॉईल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि 4 मिनट के अंदर इसकी जो स्किन है वो अलग हो चुकी है। तो इन्हें अब हम पानी से बाहर निकाल लेंगे और इन्हें 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अब इसकी स्किन को हम रिमूव कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने सारे टमेटोस की स्किन निकाल दी है और टमेटोस के अंदर के जो बीज होते हैं इन्हें भी हम रिमूव कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाते हैं और इन्हें अब हम रफली चॉप कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस को घर पे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही फ्रेश और टेस्टी बनता है, और इनको हम सैंडविच बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सारे टमेटोज को चॉप कर लिया है। अब एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है, उसमें हम 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर आप गार्लिक यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और गार्लिक को हमें 2 मिनट्स के लिए कुक कर लेना है। उसमें 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करना है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है लेकिन इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का मैंने ग्रीन कैप्सिकम ऐड किया है, उसे बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है। आप इसकी जगह रेड कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं। इसमें एक मीडियम साइज़ का मैंने अनियन फाइनली चॉप करके ऐड कर दिया है। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करना है, 1/2 टीस्पून ऑरिगानो ऐड करना है। आप यहाँ पे मिक्स हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब हमने जो टमाटर बॉईल करके चॉप किया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमेटोज़ को थोड़ा सा हम स्मैश कर लेंगे और इसे फिर से हम 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें 3 टेबलस्पून टमेटो केचप ऐड करना है। आप यहाँ पे टमेटो प्योरी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है सब कुछ और इसे फिर से 2 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे लो फ्लेम पे। अब इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। ये वही पानी है जिसमें हमने टमेटोज को बॉयल किया हुआ था। और मिक्स कर लेना है और इसे 3 से 4 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुका है। आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको मिक्सर के जार में ग्राइंड करके एकदम स्मूथ सॉस बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।